तो भाई वो डिस्क्लेमर पहले आ गया। ये महिला की रक्षा करेंगे, चांदपुर में हुआ हाथरस में हुआ रातोरात एक बच्ची जला दी गई और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनको शर्मानी चाहिए, महिलाओं का नाम भी नहीं लेना चाहिए इन्हें, इतना घिनौनी हरकत करते हैं। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना रुक जाइए, अभी पीस का तरीका ये क्या तरीका, क्या तरीका नहीं, अभी ये क्या तरीका आपका, बार बार बंदा नहीं बोल रहे, तरीका क्या आपका, नहीं आपसे बोला आपने पीछे बोला था मैंने, नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है आपका, बीच नहीं बोला मैं, शट अप शट अप। राजपल्लव यादव जो बिहार में गिरफ्तार था, कंचना जी नहीं बोलेंगे उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी, ये तरीका ठीक नहीं, सब पर बोलिए, गोली मारो सालों को, किसने बोला था अनुराग ठाकुर, देश के कप्तान भी बताओ ना, चाहिए बताइए, देश के कप्तान को गले लगा लो, ये कह रहे हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर कप्तान है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मार दी है गोली, इसी लिए कर रहे हैं, चारा घोटाला भैंसों का चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये हमारे युवाओं के लिए कुछ छोड़ेंगे, ये कहते हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेंगे और पाकिस्तान से कोई समझ नहीं, और चीन से इलू इलू करना चाहते हैं, अरे हम कहते हैं खुद के ठोकेंगे, ये कहते हैं इलू इलू करेंगे, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका, चौदह झुक गया जो 3,000 ये कहते हैं बच्चे कहाँ से आए, बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, कोई राज है भाई। चलिए शुरू करते हैं तो करना, चलो भाई। लोग गाइस वेलकम बैक टू इन्फ्लुएंसर फैन आर्मी, तो कैसे हैं आप लोग, तो मैं आज लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक नया मजेदार डिबेट सेशन, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू, सीधा आता हूँ कंचना यादव आपके पास, क्या आपको लगता है कि आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आरोप यही लगता है, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? जो आरक्षण की बात हो रही है मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर अमित जी कि ये टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने की बात की गई है, उसमें यहाँ पर गौरव भाटिया जी अलायंस किए हैं असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, वहां उनको नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में आते लेकिन, लेकिन मैडम 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 इसका जवाब आप आगे दीजिएगा, लालू जी ने तो मुस्लिम आरक्षण की बात करी ना, लालू जी ने ही करी ना, किसी और ने तो नहीं करी, चारा घोटाला भैंसों का चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये हमारे युवाओं के लिए कुछ छोड़ेंगे, अरे परिवारवाद की जननी मेरे बाय और बीच में नहीं, बीच में ना बोले मेरी बहन, सबसे ज्यादा बड़ा स्कैम आज तक हुआ चंदा चोरी का, और आप लोग ताली बजा रहे हैं एक बार चंदा चोरी पर भी मैंने तो अपनी बहन को पूरा सम्मान दे दिया, 20 सेकंड दे राजकुमार भाटी जी, देखिए आज की जनता जो पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री जी मुद्दा उठा रहे हैं, बाएं देखो परिवारवाद, दाएं देखो परिवारवाद, और मैं बताता हूं क्यों, दोनों पार्टियों का जब से गठन हुआ है, मेरे युवा भाई बहन ये पूछ रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का तुम अध्यक्ष नहीं बना पाए, तुम युवाओं को क्या दोगे, उनकी जेब से रुपया निकाल लोगे, अभी तक तो रामगोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है इसलिए मंदिर बेकार है, अब मैं पूछ रहा हूं यो कह रहे हैं कि आप तो एनडीए जो है वो देश का नक्शा ही खराब कर रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि मैं ये मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का भी कल्याण नहीं करती, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, कांग्रेस 10 साल उस रिपोर्ट पर बैठी रही, बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है, तो ये 55 सालों की सरकार रही, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई, इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो, तो अखिलेश यादव के सामने अमित देवगन जैसा एक पत्रकार गया, उसने कहा ये क्या है, कह रहे जोश में बोल दिया होगा, 10 साल सपा और बसपा की सरकार रही मेरे भाई और बहनों, इन्होंने दी 5 लाख सरकारी नौकरी, योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, और मैं फिर से कहूंगा विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है गौरव, एक मिनट जी मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग सहमत है, हाथ उठवाइएगा, ये कहते हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेंगे और पाकिस्तान से कोई सहमत नहीं होगा उस बात, और चीन से इलू इलू करना चाहते हैं, अरे हम कहते हैं घुस के ठोकेंगे, ये कहते हैं इलू इलू करेंगे, मेरा पॉइंट ये है कि आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है, देखिए अमित जी आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के, उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ, पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का, जब टीचर भर्ती हो रहा था,
और लीक करने वाला कौन? वही जो उत्तर प्रदेश में लीक कर रहा है, वही जो राजस्थान में लीक कर रहा है, वही जो गुजरात में लीक कर रहा है, और मतलब इतना नेटवर्किंग है और कहते हैं कि हम पेपर लीक बंद कर दिए हैं। अरे इनको तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वोट जिहाद पर भी, एक सेकेंड, वोट जिहाद पर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। ये वोट जिहाद बोल रहे हैं गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरह क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, हर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके। है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या क्या चाहते हैं? बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। बेकार की बातें कर रही है, गद्दारों को गोली मारो, इनको दर्द होता है। एक सेकंड, लेकिन लेकिन मेरा 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 जनता ने कहा था कि गद्दारों को गोली मारो, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो। जनता ने कहा अगर इनकी सोच ऐसी है कि गद्दारों के साथ खड़े होंगे तो शर्म आती है। जनता थूकती है ऐसी सोच पे। मैं यही रहूंगी। बोल लीजिए, बोल लीजिए, आप ही पूरा मौका ले लीजिए। हम तो बिल्कुल आप ही ले लीजिए। देश के खिलाफ कोई बोलेगा उसको सबक देगा। 20 सेकंड सत्यीकरण की बात करते हैं। अरे प्रज्वल, प्रज्वल डिबेट में महिला पुरुष नहीं होता है क्या? चुप करिए, मुझे लगता है आज के विषय में आइए। आप 20 सेकंड अपनी बात को रखिए। देना देना, चुप कराइए पहले, मैं नहीं बोल पाई। आप बोलिए। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों से, ऐसी बात कर रही है आपका मतलब? आप देखिए यही होगा आगे चल के। मैं भी बैठ जाऊं? वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा है। ये गलत है। संदेश खाली की बहने बहने नहीं है, नहीं हमें नहीं, हम तो यही अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग, एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन बिल्कुल नहीं नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ये महिला की रक्षा करेंगे? कानपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, रातों रात एक बच्ची जला दी गई, और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं का नाम भी नहीं लेना चाहिए इन्हें, इतना घिनौनी हरकत करते हैं। एक सत्यप्रकाश जी 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया? जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये तरीका ठीक नहीं अभी, ये क्या तरीका आपका? बार बार तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने, नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं, शट अप, जस्ट शट अप, किसी के बीच नहीं बोलता, नहीं वो किसी के बीच में नहीं बोलता, किसी के बीच नहीं बोलता, मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं आप प्रेम से बात बता रहा हूँ। अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, FIR दर्ज हुआ है। राजबल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी, ये तरीका ठीक नहीं है। सब पर बोलिए, महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी, कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, क्यों नहीं बोलते? अगर आप हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार खराब लगती है, हमारी पार्टी हमेशा, हमारी पार्टी हमेशा, बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश का आर्थिक नीति, आप भूषण सिंह के साथ हैं, उनका विरोध करते हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है? और बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का तुष्टिकरण है। देखिए बिल्कुल तुष्टिकरण, अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे, तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं? भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहाँ से आए,
बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा। कोई राज है भाई। तो यार देखा जाए भाई साहब, बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट थी वहां पे, वो उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे पूरा पूरा सीधा चले गए। फिलहाल ये चीजें गलत है यार, जैसे आपको बात करनी है तो आप दूरी से बात करो, लेकिन इससे भी क्या लगता है ना कि एक प्रकार को जैसे हाथापाई होने वाली है दोनों के बीच में, तो उससे बहुत ज्यादा वो चीज़ सही नहीं है नेशनल टेलीविज़न पर दिखाने के लिए। और बात की जाए जो उन्होंने मैम ने मुद्दा उठाया पेपर लीक का, भाई पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, यह भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार चाहे जो भी सरकार हो, माने चाहे ना माने, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जो भी नीट का सब हो रहा है कार्यक्रम, भाई इसमें भी जो बच्चों ने पूरे साल, मतलब ऐसा होता है नीट के आप देखोगे करीब बहुत ज़्यादा एज लिमिट है उसमें, पता नहीं किस बंदे का कौन सा अटैम्प्ट था भाई, वो बंदा कितने साल से तैयारी कर रहा था उस पेपर के लिए, इसका कोई मापदंड नहीं है। आप एक पेपर लीक की वजह से उस बेचारे की, जैसे मान लो उसने 10 साल का लिया, उसका 11 साल हो जाएगा भाई। तो आप ये देखो बंदा 10 साल 11 साल एक ही चीज़ के पीछे लगा पड़ा, उसका जीवन क्या ही बचेगा फिर वो। और जो एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने गोली मारो सालों को, भाई देखिए पर्सनली अगर मैं कहूँ, अगर ये आप रेपिस्ट टेररिस्ट इन सब की बातें अगर आप कर रहे हो, तो ये शब्दावली एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि अपोजिशन के जो आते हैं प्रवक्ता वो बीच में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आज गौरव भाटिया अपने भाजपा के वही बीच बीच में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जब वो मैम बोल रही थी उनको, मैम को पूरा सेंटेंस पूरा ही नहीं करने दे रहे थे वही बीच बीच में, मेरे को आज लग रहा है भाई आज गौरव भाटिया सर को क्या हो गया है, ये कब से इतना बीच बीच में बोलने लगे। जनरली वो साइलेंट रहते हैं और अपने टर्न पर आके तभी सबको बताते उनका जवाब देते, लेकिन आज ये बीच में बार बार जवाब दे रहे थे। और मैम ने आज वो जो 3000 लड़कियों के साथ गलत हुआ उनके बारे में जब आवाज़ उठाई, भाई ये बहुत अच्छा मैम ने किया, लेकिन भाजपा रूलिंग आपके ने प्रदेश में बात कर ली, चलिए ठीक है मैं इसमें कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ का बड़ा है यहाँ का छोटा, देखिए चाहे एक का हो चाहे 1000 का हो, किसी का भी अगर एक का भी हुआ तो वो चीज़ गलत है, आपको गलत के खिलाफ स्टैंड लेना ही लेना है। अगर आपने वो बात उठाई तो आपको अपने राज्यों की भी बातें उठानी चाहिए थी कि हमारे राज्य में भी ये सब समस्या है, इसको मिलकर कैसे कोप अप किया जाए, हमें ये देखना चाहिए। आप वो कह रहे हैं 3000, वो उनका याद दिला रहा है कि आपके यहाँ भी ये सब, तो ये सब चीज़ों में हमें राजनीति भूल के एक साथ काम करना चाहिए, तभी ऐसे लोगों को सही सबक मिलेगा, जिसमें हमें अपोजिशन और रूलिंग दोनों पार्टीज का सहयोग चाहिए रहेगा ऐसे लोगों को ऐसे जड़ से खत्म करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो का, ऐसे और अमेजिंग डिबेट सेशन के लिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगला वीडियो में किस डिबेट पर बनाऊं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।